हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो? तो यहाँ पर सुबह में कितने बजे उठी, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 4:15 हुए, आई थिंक मैं उठी थी 3:30 के आसपास। तो बस यहाँ पर मैं उठकर सबसे पहले मैं आपको अपना टाइम दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ पर मम्मी ने सब लोग सोए। तो सुबह 3:30 बजे मैं क्यों उठी हुई, किसके लिए उठी हुई और क्या, तो मैं तो बाद में बताऊँगी पिछले, तो कितना भी सस्पेंस नहीं रखूँगी, आपको जल्दी बता दूँगी। तो चलिए बाहर चलते। तो बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और अंधेरा तो इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एकदम से बाहर आ गई, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो बस चलिए अब मुझे पानी भी गर्म करना है, क्योंकि सुबह उठते भविष्य नहा लेंगे और नहा धोने के बाद हम चलेंगे। कहाँ चलेंगे आपको बताए, थोड़ी देर में बता देती हूँ। तो बस चलिए अब मैं बाथरूम में गर्म पानी चालू कर देती हूँ। गीज़र क्या है ना, अभी सुबह मैं क्या चूल्हा जलाने के लिए बैठूंगी, उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो बस मैं जल्दी हो सके उतना ही मैं जल्दी काम निपटा लूँगी और बस अब चलते हैं घर में। तो आपको थोड़ी कुछ आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ और इतना रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी सोई है, तो चलो लाइट बंद कर देती हूँ और नॉर्मल जो डिम लाइट आती है वही मैंने चालू रखी। तो बस यहाँ पर मैंने चाय होने के लिए रख दी है और रात का आटा गूंदा हुआ पड़ा था, तो इसकी मैं अच्छे से पराठा बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ और कहना चाय के साथ पराठा अच्छा रहेगा। तो बस हम चाय पराठा खाकर चलेंगे। तो आज हम जाने वाले, क्योंकि आज है 21 तारीख और मुझे ऑर्डर है किसी साइडर को रेडी करने के लिए जाना है। तो हमें 5 बजे वहाँ तक पहुँचना है। तो हमने सुबह उठकर नहा धोकर चाय नाश्ता कर लेने के बाद हम निकलेंगे, क्यों है ना, खा पी कर जाते हैं तो हमें अच्छा रहता है। और मेरे साथ 2 लड़कियाँ भी हैं, तो उसको भी मुझे पिकअप करनी है, तो उसको साथ हम लेकर जाएंगे। तो सुबह 3:30 बजने का रीज़न यही था, क्योंकि जितना हो सके उतना हम जल्दी उठते और काम निपटा कर जाते हैं, तो हमें भी सेटिस्फाइड रहता है। चलो घर का भी काम हो गया, अब हम ऑर्डर पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलो मैं गोल गोल रोटी बना रही हूँ, यानी कि पराठा। तो पराठा कैसा बन रहा है वो मुझे आप बताइएगा। तो काफ़ी दिनों बाद आपको व्लॉग भी देखने के लिए मिल रहा है, तो व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा और ये व्लॉग आप अपने फ्रेंड को, फैमिली को, सबको शेयर करिएगा, तो सो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो सो बस इस तरह से मेरा सुबह का दिन था। और यहाँ पर भावेश जो मटके निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मटके हमें जहाँ पर रेडी करने के लिए जाना वहाँ पर हमें देना है, क्योंकि हम है कुम्हार, तो हमें मटके भी देनी होती है, क्योंकि वो हमारा रिलेटिव है। तो बस मैंने यहाँ पर स्वेट शर्ट और जीन्स पहन लिए। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे मेकअप के थैले लिए और उसको लेकर हम तुरंत ही निकल गए। तो बस यानी मैंने बाबू को भी यहाँ पर सुला दिया और भावेश ने यहाँ मटके भी रख दिए। तो कुछ इसी तरह सा सीन था जो सुबह का था, जो पार्लर में, तो बाबू को यहाँ पर सुलाया और मम्मी वहाँ पास में सोई हुई थी। तो बस अब हम निकलते हैं। तो बस सुबह 3:30 4 के आसपास मैंने ये काम सब कुछ निपटा लिया था, खाना पीने का। तो बस उसके बाद हम निकल पड़े हैं। तो बस मेरा ये ऑर्डर सबसे पहले है, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है और भी मेरा एक काफ़ी ऑर्डर है। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी मैं रेडी करती हूँ। वही क्या है ना, जब मैं बहुत ही ज़्यादा आपके साथ शेयर करती हूँ तो कभी कभी मुझे जो मेरा वीडियो है मोनेटाइजेशन नहीं होता, इसकी वजह से मैं कभी कभी वो क्लिप भी मैं ऐड नहीं करती, और कभी कभी कभार तो मेरा वीडियो भी मोनेटाइजेशन नहीं होता। तो मुझे इतना अफसोस हो जाता है कि मैं इतने वक्त से वीडियो बनाती थी और मुझे ये कुछ मिला। तो सुबह मैंने यहाँ पर जूती पहनी और मैंने दरवाज़ा बंद किया, और जो शटर का लॉक था वो भावेश ने लॉक किया, क्योंकि वो मैं नहीं कर पा सकती, क्योंकि तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। तो बस भावेश ने यहाँ पर लॉक कर लिया है। तो बस अब इसी तरह, तो बस यहाँ पर हमारे 4:30 का टाइम हो चुका था और बस हम निकल गए अब वो लड़की को लेने, क्योंकि उसको भी मुझे लेना है। तो बस अब हम रेडी करने के लिए निकल जाएंगे, और मैंने कैसे रेडी किया है, क्या है, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम आईडी भी, तो सो बस आईडी में नीचे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से रेडी किया है। और आपको भी ऑर्डर देना है तो मुझे दे सकते हो, वो भी मैं नंबर नीचे पिन कर दूंगी। तो सो बस आपको वीडियो कैसा लगा, आज के बाद आपको सब वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो सुबह हो चुकी है और हम सब घर लौटे हैं। तो बस ये रही लड़कियाँ और मैं। तो बस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।